भारत में हॉकी वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। रिजवान सीनियर कप्तान जबकि अम्माद बट नायब कप्तान मुकर्रर किए गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल अकील से। मैं मौजूद हूँ मिनी हॉकी स्टेडियम में, जहाँ पर आज आज कौमी हॉकी टीम का ऐलान किया गया, जिसमें ट्रायल्स जो है वो कौमी हॉकी टीम के जारी रहे। 28 नवंबर से कौमी हॉकी टीम जो है वो भारत में एक्शन में दिखाई देगी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कौमी हॉकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी शहबाज अहमद सीनियर, जिन्हें मैराडोना ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। जी सर, पाकिस्तान एक बार फिर से जो है वो वर्ल्ड कप जा रहा है, 8 साल बाद क्वालिफाई किया टीम ने, कैसे देख रहे हैं प्रिपरेशंस को? जहाँ तक इस वर्ल्ड कप का ताल्लुक है तो बच्चे जो हैं काफ़ी शेप अप हैं, उनकी स्पिरिट और जज्बा मुझे बड़ा डिफरेंट नज़र आया है और वो यूनाइटेड भी नज़र आए हैं। तौकीर डार के टीम मैनेजमेंट में शामिल होने से भी टीम को बहुत फ़र्क पड़ा है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगर इंडिया में ये अपना पहला मैच जर्मनी से अच्छा स्टार्ट लेते हैं तो पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत बेहतर होगी। सर, दूसरा ये भी बताइएगा कि अब टीम को फंड्स भी मिल गए, स्पॉन्सर भी मिल गए, उससे टीम काफ़ी रिलैक्स हो गई है, तो वो परेशानी से टीम बाहर निकल के प्रेशर दबाव का शिकार नहीं होगी? देखें, ये तो बहुत ज़रूरी है। देखें, हॉकी फेडरेशन को या लड़कों को डेली अलाउंसेस ना मिलना, इसका असर नेशनल मोरल पे भी पड़ता है, प्लेयर्स के मोरल पे भी पड़ता है। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हॉकी से पहचाना जाता है। हम जब 25 साल वर्ल्ड कप पहले जीते थे, उससे 15 साल पहले मैं पाकिस्तान के लिए खेलता भी रहा हूँ। हम कई मुल्कों में गए हैं, जब हम बताते थे कि हम हॉकी हैं तो वो फौरन पहचानते थे कि ये पाकिस्तान की टीम है। जी बहुत शुक्रिया जी। शहबाज अहमद सीनियर कौमी हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं, उनका कहना है कि कौमी टीम जो है वो अब भारत में खेलने जा रही है, पहला मैच जर्मनी से है और 4 दफ़ा पाकिस्तान जो है वो हॉकी का चैंपियन भी रह चुका है, तो उम्मीदें अच्छी हैं कि कौमी टीम जो है वो भारत जाकर अच्छा खेलेगी। जबकि उनका ये भी कहना था कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने काफ़ी परेशानी से गुजरे, लेकिन अब फंड्स दस्तयाब हैं, खिलाड़ियों को डेली अलाउंस मिल रहा है, जिसकी वजह से खिलाड़ी जो है वो किसी दबाव का शिकार नहीं होंगे और वर्ल्ड कप में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन भी करेंगे। शुक्रिया बिलाल।